नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं खेलगांव में, जहां लगभग 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी के चेहरे पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुशी का जो मंजर है वो नजर आ रहा है। वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में इनकी जो मांग थी वो कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से झारखंड के तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो काफी खुश हैं, काफी प्रसन्न हैं, क्योंकि 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी है लगभग 2200 सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान देखने को मिल रहा है। अब हमारे साथ कुछ सहायक पुलिसकर्मी है, बात करेंगे। 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे थे और फाइनली आज कैबिनेट में आप लोग की जो मांग है वो लगभग लगभग पूरी होते हुए नजर आ रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, आज बहुत ज़्यादा हम लोग अंदर से प्रसन्न हैं और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंत्री जो भी परिषद में शामिल सदस्यगण हैं, झारखंड सरकार को। हम लोग सहायक पुलिसकर्मी आज हमारी मांगे पूरी हो रही है तो उन लोग को तहे दिल से आभार और अभिनंदन स्वागत है, क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चे का दर्द को समझा, लेठी से ही 70 दिन का तपस्या हम लोग का आज काम आया। आज हम लोग जिस मांग के लिए हम लोग लगातार सरकार के पास हम लोग अपना आवाज़ उठा रहे थे, आज हम लोग को कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है और अंदर से दिल, आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उन लोगों ने खुशी जाहिर किया है आप लोग के सामने। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु को, खास करके बाइस्कोप जो अमित भैया हैं और जितने भी चैनल वाले हैं झारखंड को, जो हम लोग को गार्जियन बन करके हम लोग को सही मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन करता होते हैं, जो सही रास्ता दिखाते हैं। आप लोगों ने जो हम लोग को सहयोग किया, कदम से कदम मिलाया और झारखंड सरकार ने लास्ट में ही सही लेकिन अपने बच्चों का दर्द को समझा और हमारी मांगों पर विचार करते हुए आज के कैबिनेट में लाने का अगर कोशिश की है तो उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा और अभिनंदन और स्वागत योग्य बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आप प्रतिनिधि हैं इन लोगों के, कैसा लग रहा है? क्योंकि आंदोलन लगातार 2 महीने से आप लोग कर रहे थे, पहले मोरवादी उसके बाद खेलगांव और आज कहीं ना कहीं कैबिनेट में जो है एक आस जगी है कि आप लोग की जो मांग है वो पूरी नजर होते हुए आ रही है। सबसे पहले महिला सहायक पुलिसकर्मी जो विपरीत परिस्थिति में उनके मासूम बच्चों के साथ इस विपरीत मौसम में जो तपस्या किया, उनके प्रति सहायक पुलिसकर्मी होने के प्रतिनिधि होना तो बहुत बड़ा आभार, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उसके बाद राज्य सरकार के जो भी प्रतिनिधिमंडल, जो भी माननीय सदस्यगण हमारा इस विपरीत परिस्थिति में इस दर्द को, इस पीड़ा को समझे, एक मंच देकर एक उचित मुकाम तक पहुंचाने का काम किए, जिसमें माननीय मथुरा दादा जो अभी कॉल करके कंफर्म किए कि आपका काम हो गया है, से हम लोग कहाँ आए तो हम लोग बोले कि खेलगांव ही आ जाइए। राजेश कच्छप सर भी अभी कॉल किए कि बाबू लोग कहाँ हैं, तो हम लोग खेलगांव हैं तो अभी आ रहे हैं। और माननीय विनोद सिंह सर, माननीय सुदीप सोनू सर का अहम योगदान रहा, माननीय सुखराम उराम सर और माननीय नवीन मिशल कुंगाड़ी सर, तमाम इन्होंने हमें मंच दिया और दर्द को सुना समझा और CM सर तक इसमें पहल करके योगदान दिया और सफलता तक पहुंचाई। इस दौरान तमाम झारखंड के जो मीडिया बंधु रहे, जो माइक एक CM के सामने लगा, जो सवाल एक CM के सामने लगा, वही माइक एक गरीब मजदूर गांव ग्रामीण के क्षेत्र के बच्चे जो शायद माइक पर बोलने नहीं आता था, माइक पर खड़ा होने नहीं आता था, उन्होंने माइक को सुना समझा सीखा और बोलना, और वही माइक हम लोगों को भी मिला। उसके लिए झारखंड के तमाम मीडिया बंधु को आभार है, उनके प्रति श्रद्धा है, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि गरीब को आवाज़ को एक रसातल से लेके ऊंचे स्तर तक पहुँचाया और इस कम से कम खुशी के शुरुआत का जो प्रारंभिक बिंदु है उसको, उस बेड़ा को पार करवाया। इसके बाद नगर निगम जो कि हर परिस्थिति में भरी बरसात में भी जो भी मानव के मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो मानव के मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, नगर निगम को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और पुलिस प्रशासन जिन्होंने एक हम लोग के गलतियों को भी एक समाहित करते हुए हमारे साथ एक अच्छा बिहेव किए, अच्छा ट्रीटमेंट किए, और सभी जो SSP सर हैं, SP सर हैं, IG सर हैं, DIG सर हैं, सभी को आभार व्यक्त करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि इस बाल बच्चों को
इस मासूम गांव गरीब के बच्चों के दर्द को सुने और जो भी हमसे त्रुटियां हुई होगी उसको हम चाहते हैं कि 19 जुलाई के जो ये वक्त जो है त्रुटियां गिनाने की या फिर करने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का मेहनत 2 महीने लगातार संघर्ष करने के बाद आज पूरी हुई है, कैबिनेट में जो है पास हुआ है, वो बताइए कैसा फील कर रहे हैं? 67 दिनों का संघर्ष 2024 में, 38 दिनों का संघर्ष 2021 में, 15 से 27 दिनों का संघर्ष 2020 में, ये तमाम संघर्षों को देखे लगभग 120 से 25 दिनों का संघर्ष है। आज हम लोग जो रोजी रोटी की लड़ाई था बहुत खुश हैं और खुश से बात करूंगा, लेकिन इससे पहले दिखा दें कि किस प्रकार से झारखंड के जो सहायक पुलिसकर्मी है काफी खुश है, प्रसन्न है और कहीं ना कहीं लगभग 67 दिनों के आंदोलन के बावजूद इन लोगों का जो मांग है वो कैबिनेट में पारित हुआ है और इसको लेकर के तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी है काफी खुश है। कुछ और बात है, बात करते हैं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। जो हम लोग इतना दिन मेहनत किए उसका फल आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। संघर्ष कर रहे थे, आज फाइनली आप लोगों की मांग जो है पूरी हुई। हम लोग देख रहे होंगे आप सभी श्रोता से उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इंटरनली सपोर्ट अगर झारखंड के लोग हम लोग को किए। आज हम लोग लगातार 67 दिन के संघर्ष के बाद हम लोग को जो विजय मिला है, हम लोग को जो सरकारें हमारी मांगों को मान ली, अपने बच्चे को मांगों को सरकार ने मानी है, तो आज हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और काफ़ी खुश हैं कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा था, सरकार से जो मांगे रखी थी, सरकार ने हमारी बातों पर विचार किया और समझा कि इन लोगों का मांग जायज़ है। आज हमारी मांगे पर मोहर लग गया है, कैबिनेट का मोहर लग गया है। आज हम लोग बहुत प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए कुछ और महिला हैं, बात करें कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं सीएम सर को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम लोग उनसे पूरा आशा उम्मीद थी और हम लोगों को अंतिम क्षण तक मतलब हम लोगों को पूरी आशा थी उनसे कि हम लोग का काम करेंगे। उनके बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, यहीं के बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग को पूरी उम्मीद थी और हम लोगों की मांगे को आज सुनी गई। बहुत ही खुश हैं, साथ ही हमारे परिवार वाले भी आज बहुत खुश हैं और साथ में जितने हम लोग नेता मंत्री जितने अधिकारी आला अधिकारी जितने से हम लोग मिले सभी का सपोर्ट रहा और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, 67 दिनों का संघर्ष आज कहीं ना कहीं रंग लाया आप लोगों का। बिल्कुल, सरकार पर उम्मीद थी, झारखंडी सरकार है, हमारे बड़े भाई जैसा है, वो हमारा दर्द को समझेंगे और वो बेहतर हुआ आज मेरा दर्द को समझे, लेट सही लेकिन सटीक हुआ मेरा। कुछ और महिला पुलिसकर्मी है, उनसे हम बात करेंगे कैसा लग रहा है 67 दिनों का संघर्ष आज रंग लाया आप लोगों का। 67 दिनों का संघर्ष था पर फिर भी हम लोग का जिसे कैबिनेट में आया तो हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है और हम लोग का जो मेहनत का फल, जो हम लोग को बहुत बोलता है ना कि सबर का फल मीठा होता है, बस वही लग रहा है। और हेमंत सरकार को बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो कि हम लोग के बारे में सोचे और समझे और हम गरीब गुरुआ के बच्चों को इस कैबिनेट में पास करके हम लोग को खुशी दिलाए। कितने खुश हैं ये बताइए? बहुत खुश है, अंदर से बहुत खुश है, जो कि हम लोग को लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन जब कैबिनेट में हम लोग का पारित होने के बाद में पता चला तब हम लोग को बहुत खुशी महसूस हुआ जो कि हम लोग बयां भी नहीं कर पाते हैं कि हम लोग का खुशी कितना है। कैसा लग रहा है ये बताइए? आज तो हम लोग का मतलब जीवन का जो खुशी का जो होता है दिन, आज लगता है कि नया जीवन हम लोग का मिल गया। तो आज की रात नींद अच्छी है? नींद तो मत कहिए, एकदम आज तो नींद आ ही नहीं सकता है। आज तो हम लोग जो हम लोग झारखंडी थे और हम लोग के हित में जो झारखंडी सरकार थे आज हम लोग के फेवरेट में जब काम किए। कहते हैं ना कि दुख के घड़ी में नींद नहीं आती और सुख के रात में सोता कौन है। हाँ, सोता कौन है। आज जो हम लोग की खुशी है ना, वो हम लोग का 7 साल का खुशी आज हम लोग के बीच में आया है और हम लोग को उम्मीद था, हम लोग के झारखंडी सरकार थे, हम लोग का सरकार थे, हम लोग इसलिए आज हम लोग खुश है की बहुत अच्छा हम लोग लग रहा है। कुछ और सहायक पुलिसकर्मी है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है आज 67 दिनों का संघर्ष, आप लोगों का आखिरकार वो जो मांग आप कर रहे थे वो कैबिनेट के पास हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा अभी, सहायक पुलिस जैसे अभी हम लोग हैं यहाँ पर और रहा, हम लोग 7 वर्षों से जो संघर्ष कर रहे थे वो चीज़ अभी यहाँ हो गया है और सबके चेहरे में देख रहे हैं खुशी का लहर दौड़ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम कितने खुश हैं और जाहिर भी नहीं कर सकते, हम खुशी का माहौल है।
तो आपने देखा कि जिस प्रकार से तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके चेहरे पे खुशी साफ तौर पे झलक रही है। आज खेलगांव मानो ऐसा लग रहा है कि सहायक पुलिसकर्मी के आवाजों से उनका जो देख रहे हैं किस प्रकार से ये लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ और बाहें बात करेंगे उनसे। लग रहा है बहुत खुशी लग रहा है, इतना साल का ना इतना दिन का जो हम लोग का आंदोलन था आज सरकार ने फैसला ली है और आज हम लोग बहुत खुश हैं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी लग रहा है, जो हम लोग इतना दिन संघर्ष किए, जो थूक दखान था हम लोग का, और सारा सार इस खुशी में सारा समाप्त हो गया है। जिंदाबाद। इस प्रकार से तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं सरकार के सामने की जो नारेबाजी कर रहे हैं लगातार, हेमंत सोरेन जिंदाबाद कर रहे हैं। निभाया वादा झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी अब ये कह रहे हैं कि बाहर हेमंत दादा आपने निभाया वादा। आपने सुना कि किस प्रकार से तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं ये कह सकते हैं कि 2200 सहायक पुलिसकर्मियों की आवाज है, खुशी जो है साफ तौर पर इनके चेहरे पर झलक रही है। आखिर झलके भी क्यों नहीं, क्योंकि लगातार 67 दिनों से आंधी तूफान बारिश और धूप में आंदोलन कर रहे थे और आज आखिरकार उस समय का जिस समय का इनको इंतजार था वो समय आ गया। कह सकते हैं कि पहले जिस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से इन लोगों ने आंदोलन किया, पहले विधानसभा घेराव, फिर राजभवन की तरफ गए थे, उसके बाद सीएम आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे, अंततः जब मोरावादी मैदान खाली करना पड़ा था उस वक्त इन लोगों के चेहरे पर कहीं का मायूसी झलक रही थी, और उसके बाद जब खेलगांव पहुंचे हैं तो खेलगांव पहुंचने के बाद ठीक 67वां दिन जब कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में जब इनकी जो मांगे थी वो पूरी हुई, उसके बाद यहाँ का जो माहौल है वो साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी है काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ और पुलिसकर्मी उनसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है 67 दिनों का संघर्ष है? भैया बारिश में धूप में इतना मरे हैं, आज खुशी है, बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है, हेमंत दादा से बहुत खुश है जो हम लोग दिए। अच्छा ठीक, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, हम लोग जिस तरफ से इतना भारी वर्षा में हम लोग अपना तिरपाल को उठा के दिन रात ले रहे थे, ना रात का सही से नींद ले पा रहे थे, ना आज तक घर द्वार का मुंह नहीं देख पाए थे, आज थोड़ा खुशी का माहौल है। आज की रात नींद कैसी आएगी? आज एक सही पूछिए तो आज नींद नहीं आएगी, आज अगर देखा जाए तो एक खुशी का दिन है, आज नींद आना स्वाभाविक ही नहीं है, क्योंकि आज हमारे सहायक पुलिसकर्मी आज जश्न में डूबे रहेंगे, आज धन्यवाद देंगे, आज नारा लगते रहेंगे, आज खुशी इजहार करेंगे, आज रात भर फोन से बातें होंगी, घर वाले को बताएंगे, रिलेशन बताएंगे, बहुत से फोन आएंगे। अमित भैया ऐसा जो है छोटा खुशी नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है जो हम अपनी जुबा से बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी को वह बताना है, सभी को फोन से जानने का प्रयास करेंगे और नारा लगते रहेंगे, लोग नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आज खुशी में जो भी बना होगा, माल भात भी खाएंगे तो लगेगा कि आज हम लोग कुछ अलग चीज खा रहे हैं, अलग पकवान खा रहे हैं। हम विवेक जी की तरफ आगे बढ़े, विवेक जी 67 दिनों का संघर्ष है, आज की रात जो है नींद तो काफी शानदार आएगी? नींद भी आएगी और नींद नहीं भी आ सकती है, क्योंकि खुशी में दोनों चीज संभव है और उम्मीद करते हैं कि एक खुशी का शुरुआत है और भविष्य में और जो भी बिंदु है, और एक सहायक पुलिसकर्मी एक गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के भाई बंधु है, उनका रोजी रोटी भविष्य फ्यूचर बाल बच्चा के एक उज्ज्वल भविष्य हो, और झारखंड के जो एक ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए सरकार से उम्मीद करेंगे जिस तरह से न्याय और खुशी का दरवाजा खोली है तो इसका अंजाम भी अच्छा होगा, और शायद हम एक चाहेंगे कि इस मेरा विषय को मर्म को समझने में थोड़ा अब कम समय लिया जाए, क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चर पच महीना टोटल आंदोलन हो जाते हैं और उस सड़कों पर बिखरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तो शायद इतना अब समय नहीं लिया जाए, क्योंकि हम इस आंदोलन को जो भी सफलता प्राप्त हुआ
लेकिन सहायक पुलिसकर्मी लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए का नुकसान झेला है, तब जाके सफलता मिला है। तो हम चाहते हैं कि इतना हैवी अमाउंट नुकसान ना हो, कम से कम में बेहतर रिजल्ट मिले। तो आपने सुना कि तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं आज काफी खुश हैं। आखिर खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि 67 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे और कहीं ना कहीं इनकी जो मांग थी वो अब कैबिनेट में पास हो गया है। अब कुछ ही पलों में यहाँ जो है मथुरा महतो और तमाम जो विधायक है, मंत्री है, यहाँ पहुँचेंगे। अब उसके बाद ये तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी है उनसे मुलाकात करेंगे और जश्न मनाते रहेंगे। फिलहाल आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजवल्लभ को दीजिए इजाजत। देखते रहे न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद।